सो हाई स्टूडेंट्स, एक साल पहले मैंने एमएनसी कंपनी की एक जॉब डाली थी और किस तरीके से एमएनसी कंपनी में जॉब लगाते हैं, लगनी चाहिए कैसे, उसका भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सब लोगों ने पूछा कि एमएनसी कंपनी में काम करना है, तो फिर से मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए कि एमएनसी कंपनी में जॉब कैसे लगेगी। पहली बात तो एमएनसी कंपनी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसी कंपनी जिसकी एक जगह पे ब्रांच है, फरीदाबाद की कोई छोटी सी कंपनी होगी, वो भी अपने आप को एमएनसी बोलती है, क्योंकि उनका कोई टाई अप हो जाता है बाहर किसी और कंपनी से, वो एमएनसी नहीं होती। एमएनसी वो कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर, उनका ऑफिस किसी और बाहर की कंट्री में भी हो सकता है, या बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स में भी इंडिया के होता है, उसको भी वो मल्टीनेशनल बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, मैकेनिकल की मैं बात करूं तो द बेस्ट एमएनसी कंपनीज टू वर्क फॉर आर टाटा, हीरो ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, बजाज ग्रुप, हुंडई, किया, ये सब जो कंपनीज हैं, ये सारे एमएनसी बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा है। अब जैसे किया ग्रुप है, सबको पता है भाई किया की गाड़ी आती है, तो किया इज एन एमएनसी कंपनी। बट मेरे पास एक लड़का आया डिप्लोमा होल्डर, उसने रेज्यूमे में लिखा था वर्क डेट किया, उसने किया की डीलरशिप पे काम किया था। किया की डीलरशिप पे काम करना एमएनसी कंपनी में काम करना नहीं होता। किया की असेंबली लाइन में भी किया का आप डायरेक्टली वहां पे काम नहीं कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे हो। मैं वीडियो बना रहा हूं कैसे एमएनसी कंपनी में डायरेक्टली नौकरी करनी है, मतलब आप हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या सिविल वालों के लिए L&T, इन सारे ग्रुप्स में आप काम करेंगे डायरेक्ट कंपनी रोल में एज अ मैनेजर। मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग उनकी 50-60,000 बेयर मिनिमम होती है। ठीक है, डायरेक्टली जो आपकी जो सैलरी है वो भी कंपनी से आपको आती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से नहीं आपकी जॉब लगेगी। तो एमएनसी कंपनी में एग्जैक्टली जॉब लगती कैसे है, प्रोसेस पहले समझो। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी लिंक्डइन वगैरह पे बहुत जॉब पोस्ट करती है, पर आप जितना मर्जी ट्राई कर लो नहीं लगेगी नौकरी। प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको लगेगा कि आप तो इस चीज के लिए बने ही नहीं हो, आप तो एमएनसी कंपनी में कभी जा ही नहीं सकते। ऐसा ट्रू नहीं है, एमएनसी कंपनी में जरूर हो सकता है आपका, बट आपको प्रोसेस समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले एमएनसी का हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। एमएनसी का हायरिंग प्रोसेस मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट सबका डायरेक्ट कैंपसेस में होता है। मतलब टाटा मोटर्स मेरे कॉलेज पे भी आई थी, बिट्स पिलानी पे, डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, टाटा मोटर्स डायरेक्ट आई थी। और इनका जो प्लांट है, आई थिंक सानंद में है एक प्लांट, और जो गुजरात अहमदाबाद से थोड़ा सा दूर है, वहां पे उन्होंने 4-5 हमारे इंजीनियर्स लिए थे। L&T कंपनी आई थी। ये कंपनीज डायरेक्ट इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आती है। अगर आप टॉप कॉलेजेस में हो तो फाइनल ईयर में या तो आप इंटर्नशिप कर लो यहाँ पे, जो इंटर्नशिप आपकी कन्वर्ट हो जाती है एक फुल टाइम जॉब में, या फिर आप जब ये कैंपस पे आएंगे तो उस कैंपस प्लेसमेंट में आपको बेस्ट टू बेस्ट CGPA होनी चाहिए, क्योंकि वो टॉप, मतलब जो बिट्स पिलानी या IIT या NIT के बच्चे भी हैं, सबकी नहीं लगेगी टाटा मोटर्स में। 3-4-5 लड़कों को लेके जाते हैं, तो 90 का बैच होता है, उसमें भी 5 लड़कों की ही लगती है। तो आप सोचोगे कि भाई डायरेक्टली कैसे जाएं टाटा मोटर्स में, ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई रिश्तेदार भी HR होगा तो उसको बोल के आपकी नौकरी नहीं लग सकती। ये वैसी देसी लाला कंपनीज नहीं होती, इनका प्रोसेस होता है पूरा। आपको कोई टाटा का एम्प्लॉय है वो रेफरल कर सकता है, हाँ जरूर, दैट कैन बी पॉसिबल, बट रेफरल के बाद भी सारे इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर करने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन कंपनीज का बहुत ज्यादा टफ होता है। RVM के जो कंपनी आती है बोलती है 4 साल चाहिए, मैं बात करा करा के 1 साल एक्सपीरियंस वाले को भी घुसा देता हूँ उस कंपनी में, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। डायरेक्ट ओनर से बात कर रहे हैं, यहाँ रतन टाटा से तो मैं बात कर नहीं पाऊंगा ना, आप बात कर पाएंगे। तो इनका एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर एलिजिबिलिटी 2 साल की है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की, तो 1 साल 11 महीने वाला भी नहीं चलेगा, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के हाथ में नहीं है। राइट, 1 साल 11 महीने वाले को अगर HR ने ले लिया तो उसकी नौकरी जाएगी, तो वो बिल्कुल रूल्स को फॉलो करेगा। ओके, तो एमएनसी कंपनी का जो पहला क्राइटेरिया है वो होता है कैंपस प्लेसमेंट। अब आप कहोगे सर हम तो टॉप कॉलेज से भी नहीं है, और हमारे पास तो ऐसा टॉप कॉलेज से है तो हमारे पास ऐसी कोई कंपनी आई नहीं, अब क्या करना है। अब आपको मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कि व्हाट टू डू इफ आपका कैंपस प्लेसमेंट, इफ यू डिड नॉट क्लियर द कैंपस प्लेसमेंट, और यू डिड नॉट गेट अ चांस टू डू द कैंपस प्लेसमेंट। इसके अंदर सबसे पहली जरूरत है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे टॉप लेवल की होनी चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स को मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, फोर्ड ये सब नहीं रखने वाले। आपको बीटेक करनी पड़ेगी, प्रॉबेबली आपको एमटेक भी करनी पड़ेगी। अगर लेट्स सपोज आप बीटेक किसी सेकंड टायर थर्ड टायर कॉलेज से हैं, तो आप गेट का एग्जाम दो, आप एमटेक कर लो, IIT से टाटा मोटर्स आपको ले जाएगी। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा पॉइंट, सर्टिफिकेशन एंड स्किल्स। आप जिस पोजीशन में जा रहे हैं, लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर अ कैट डिजाइन रोल, या आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर के रोल में जा रहे हैं सिविल इंजीनियर होके, आपको जो कंपनी की जॉब पोस्ट आई है उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, वो कह रहे हैं स्टैट ब्रो तो यहाँ चल जाता है, हमने यूट्यूब से सीखा है, हाथ हम थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर चला लेते हैं, ये सब चीजें भाई टाटा मोटर्स L&T वाले नहीं सुनने वाले। आपके पास
प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन के बाद प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। पुरानी सारी कंपनीज के आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, यू नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। उसमें कोई भी आपका इधर से उधर नहीं हो सकता 1% का भी। तो सर्टिफिकेट जो वो मांग रहे हैं आपसे, लेट सपोज देर आस्किंग फॉर अ पाइथन यू नो कोडर, तो कंप्यूटर साइंस में फिर भी चल जाता है क्योंकि लोग पाइथन खुद भी सीख जाते हैं और इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हैं, मैकेनिकल में नहीं चलता। सर्टिफिकेशन प्रॉपर, एवरीथिंग पेपर वर्क शुड बी परफेक्ट। तो टेक्निकल एजुकेशन स्किल्स में बता दिया, हाईएस्ट लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आपको। बीटेक है तो एमटेक करनी पड़ेगी, बीटेक विद वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको आपको अपने आपको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल्स पे रखना पड़ेगा, सारी चीजें सीखनी पड़ेगी और वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे सॉलिड वर्क्स में अब क्लाउड आ गया है, सॉलिड वर्क्स क्लाउड का भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। सेकंड चीज की हम बात करें, पहले तो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्किल्स की बात कर ली। सेकंड मेजर पॉइंट इज वर्क एक्सपीरियंस। आपने जहां पे भी काम किया एमएनसी कंपनीज में 100% होगा आपका। अगर आप किसी वर्कशॉप में भी काम कर रहे हैं, 5 साल बाद एमएनसी कंपनी में चांस है, बट प्रोग्रेशन दिखना चाहिए। एक वर्कशॉप से टायर 3 इंडस्ट्री पे आओगे, टायर 3 से टायर 2 पे आओगे। टायर 2 वाले होते हैं जो एमएनसी को या टायर 1 वालों को सप्लाई करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मारुति सुजुकी नहीं बनाता, उसके लिए फरीदाबाद में कंपनी है जो बनाती है, और फरीदाबाद वाली कंपनी भी आगे किसी से प्लास्टिक लेती है। तो आपको इन कंपनीज में, बेटर कंपनीज में आपको अपने आप को काम करना पड़ेगा, तब जाके 3-4 साल के बाद विद प्रॉपर जो वर्क एक्सपीरियंस की हिस्ट्री और प्रूफ है, फिर आप जब लिंक्डइन पे अप्लाई करेंगे या किसी रेफरल के थ्रू अप्लाई करेंगे, देन देर आर वेरी बिग चांसेस। थर्ड पॉइंट, ये ऑलमोस्ट सारे मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स इस चीज पे ढीले पड़ जाते हैं नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि ये सारे इंजीनियर्स की प्रॉब्लम है। एमबीए में क्या सिखाते हैं? नेटवर्किंग सिखाते हैं, किस तरीके से बात करनी है, लिंक्डइन पे कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे इवेंट्स में जाके नेटवर्क बनाना है। मैकेनिकल इंजीनियर्स का कोई नेटवर्क ही नहीं होता ना, वो किसी से ढंग से बात करते हैं, मतलब ढंग से बात एक नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे एमबीए में यही सिखाते हैं कैसे एक दूसरे से बात करनी है। इंजीनियर्स डोंट नो दैट, ठीक है? तो आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क रखना पड़ेगा। 10 बंदे मारुति सुजुकी के ऐड कर लोगे तो आप खुद सोचिए कि वहीं से ही आपका रेफरल आ जाएगा, उनकी जॉब पोस्ट जो दिख रही है वो आपको दिख जाएगी। तो इन कंपनीज के लोगों को आपको ऐड करना पड़ेगा और अपनी प्रोफाइल पे ऐसी रेलेवेंट चीजें डालनी पड़ेगी ताकि आप स्टैंड आउट करो क्राउड से। फोर्थ सबसे बड़ी चीज है रेज्यूमे और पोर्टफोलियो तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे रेज्यूमे आते हैं जिसमें रेज्यूमे की स्पेलिंग गलत होती है, अपने खुद के नाम की स्पेलिंग गलत होती है, ये सब एमएनसी कंपनीज में नहीं चलता। रेज्यूमे के साथ एक और चीज कहते हैं, उसको कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर होता यूजलेस है एक्चुअली, बट एमएनसी कंपनीज में उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे बहुत जगह कवर लेटर भी वो मांगते हैं। सो यू नीड टू हैव अ कवर लेटर इन रेज्यूमे जिसमें प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर, वर्क एक्सपीरियंस प्रॉपर। इसके लिए आरबीएम अकेडमी हम सेशंस भी करते हैं हर वीकेंड पे, जिसमें लोगों का रेज्यूमे ठीक कराया जाता है। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोज भी इस पे डाली है, तो वो आप सब देख सकते हो कि कैसे एक टेक्निकल रेज्यूमे आपको परफेक्ट बना सकते हो आप। एंड लास्ट चीज है कि ये सब जब परफेक्ट कर लिया तो जॉब लगेगी कैसे? अब ये कंपनीज जो होती है, ये ऑलमोस्ट जो सारे गुड जॉब पोर्टल्स जो होते हैं वहां पे अप्लाई करती है, जैसे लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर, नौकरी, इन सब पे इनकी जॉब पोजीशंस आती है। बट आपको ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जैसे ही जॉब दिखा उस पर क्लिक कर दिया, आपको पढ़ना है, क्योंकि उनके पास वहां पे ट्रस्ट मी एक चीज होती है एटीसी। एटीसी एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे रेज्यूमे चेक हो जाता है। आप करते जाओ सारी जगह पे जॉब, कहीं से कुछ नहीं होगा, हर चीज ऑटोमेटेड है। वो सॉफ्टवेयर चेक करेगा आपका रेज्यूमे, उसको पता है इसको कुछ नहीं आता, वो ऑटोमेटिक मेल भी भेज देगा, सॉरी यू आर रिजेक्टेड। ये होता है, कोई ह्यूमन एफर्ट भी नहीं लग रहा उनका। और जैसे ही उसमें से आपका रेज्यूमे रेलेवेंसी के हिसाब से, रेलेवेंसी मतलब अगर वो डिजाइनर मांग रहा है तो डिजाइनर ही चलेगा, जिसने पहले सीएनसी में काम किया वो नहीं चल पाएगा उसमें। अगर उस सॉफ्टवेयर को लगता है कि आप रेलेवेंट हो, तो फिर वो आगे एचआर का कॉल आता है, एचआर के बाद टेक्निकल पर्सन का कॉल आता है, टेक्निकल पर्सन के बाद टेक्निकल हेड का कॉल आता है, फिर उसके बाद फिर एचआर का कॉल आता है, फिर फाइनल सैलरी डिसीजन होती है। ये लंबा प्रोसेस चलता है, 1-1.5-2 महीने का। ऐसी कंपनी जो आरबीएम पे आती है, आज करा इंटरव्यू, कल बच्चा काम कर रहा है, वो चीज एमएनसी में नहीं होती। ओके, एंड लास्ट की, अगर आपका इंटरव्यू तक स्टेज पे पहुंच जाते हो आप, तो एमएनसी कंपनीज मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यूज लेती है, मोस्टली, ठीक है? तो उनके इस तरीके से इंटरव्यू नहीं होती कि कंपनी आ जा रहा आके इंटरव्यू कर लो, वो चीज वो कैंपस में कर रहे हैं कि वो कंपनी में आके ले रहे हैं, मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक फोन होना चाहिए जिसपे सब कुछ प्रॉपर चले। ऐसी जगह नहीं आप बैठे होगे कि जहां पे पीछे शोर हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी इन प्रोफेशनल क्लोदिंग, और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू देंगे। आपको बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है।
आपके आपसे क्वेश्चंस पूरी डीप में पूछे जाएंगे, आपके रेज्यूमे से रिलेटेड आपने क्या क्या काम किया, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज एंटायरली पॉसिबल कि एमएनसी कंपनीज में जो नॉन प्रीमियम कॉलेजेस से हैं उसकी जॉब लग जाए, बट 3 से 4 साल मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई सब कुछ फॉलो करनी पड़ेगी और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, देन यू हैव वेरी गुड चांसेस कि आप एक एमएनसी कंपनी में काम करोगे। दूसरा, एमएनसी कंपनी में काम करने का एक फेज भी जो होता है किसी के करियर में, वो 6 साल से 12 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बीच में हाईएस्ट चांसेस होते हैं। 12 साल के बाद ऐसा होता है कि उनको भी लगता है इतने टाइम से ये तब से काम कर रहा है, इसने अपग्रेड नहीं किया, तो वो जब 40s में इंसान पहुंच जाता है ना, उसमें फिर वो भी नहीं बचता कि वो कुछ नया एकदम से वर्क कल्चर पे अडेप्ट कर पाए। तो आप जब अपने 25 से 35 की एज में है उसी के अंदर आपको जंप जो है ये मारना पड़ेगा और अपने आपको हाईएस्ट स्किल्स पे अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कुछ भी आपको कुछ और पूछना है अपनी प्रोफाइल के बारे में पूछना है, कमेंट में डालो, हम सारे कमेंट्स का इस वीडियो पे रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड।